नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। आपने बस कार बाइक को धक्का लगाते हुए तो बहुत बार लोगों को देखा होगा, लेकिन क्या कभी ट्रेन को धक्का लगाते हुए आपने लोगों को देखा है? नहीं तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आपने वाहनों को स्टार्ट करने के लिए लोगों को धक्का लगाते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी यात्रियों को ट्रेन को धक्का लगाते हुए देखा है? नहीं तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं मेरठ के दौराला रेलवे स्टेशन की, जहां लोग शनिवार सुबह सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन को धक्का लगाते लगाते देखे गए, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। दरअसल हुआ यूं था कि सहारनपुर से मेरठ होकर दिल्ली जाने वाली दो TS पैसेंजर ट्रेन सुबह के समय यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, जिसने सुबह 7:10 पर मेरठ के सकोती स्टेशन को पार किया। तभी इंजन से पांचवें कोच में धुआं उठने लगा। ये देखकर लोको पायलट अनिल कुमार ने मेरठ के दौराला स्टेशन की तरफ ट्रेन को दौड़ा दिया। धुआं देखे जाने पर 7 किलोमीटर बाद दौराला में ट्रेन को रोका गया, जहां यात्रियों से ट्रेन खाली करने के लिए कहा गया। ट्रेन का पांचवा और छठा कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था, जबकि 7वें कोच को भी आग से नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं कि ट्रेन में कितनी भयानक और विकराल आग लगी हुई है। इस आग के कारण 5 कोच जलकर पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। वहीं इस आग की भयानक लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर मदद के लिए दौड़ पड़े। घटना के बाद यात्रियों ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर आग लगे 5 कोचों को ट्रेन से अलग किया और तकरीबन 150 मीटर तक ट्रेन को धक्का देकर आग लगे कोचों से अलग किया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे लोग ट्रेन को धक्का देकर आग लगे कोच से अलग कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों और लोको पायलट की सूझबूझ से यहां एक बड़ा हादसा होने से बच गया। गनीमत रही कि ये दैनिक यात्री ट्रेन थी, जिसकी वजह से यात्री अपना सामान लेकर कूद गए। अगर ये एक्सप्रेसवे होती तो मुसीबत हो सकती थी, जिसमें अधिकांश यात्री सोते हुए अपनी यात्रा करते हैं। बहरहाल इस घटना को लेकर रेलवे के अधिकारियों ने अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं रेलवे के DRM ने इस मामले में 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच के आदेश दे दिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।